this goes like this. Neha, तुम इसे फिनिश करो, मैं आती हूँ. क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों चिल्ला रहा हूँ मतलब? ये ठंडा खाना खाऊंगा मैं? सारा दिन ऑफिस में काम करता हूँ, उसको गर्म नहीं कर सकती? इतनी लेट आओगे तो खाना तुम्हारे लिए गर्म रहेगा, ठंडा नहीं हो जाएगा. और हाथ दिए ना भगवान ने, जाओ खुद गर्म कर लो. ज्यादा जुबान नहीं चल रही तुम्हारी? कम से कम देख तो लिया करो किससे बात कर रही हो, किससे नहीं. हाँ यही करूँ मैं, दिन भर घर पे काम करो और शाम को तुम्हारी सुनू. हाँ तुम तो ऑफिस में रहते हो, घर पूरा मैं संभालती हूँ. सारा दिन काम करता हूँ ऑफिस में, तुम्हारी तरह बैठ के वो नहीं करता मैं. मुझे क्या पता क्या करते हो, मैं वहाँ होती थोड़ी हूँ तुम्हें देखने के लिए. इसके बाद एक शब्द मुंह से निकाल, मेरा दिमाग खराब मत कर. तुम चुप रहो, तुम मुझे, मैं बता रहा हूँ घर से बाहर निकाल दूंगा तेरे को. तू कौन है, तू क्यों चिल्ला रहा है मेरे ऊपर? तू मुझे, मैं बता रहा हूँ घर से बाहर निकाल दूंगा तेरे को. क्या क्या कर रही है? हाँ, मैं करता हूँ. क्या हुआ? मुझे 5,000 रुपए चाहिए. 5,000 रुपए? पिछले हफ्ते तो 8,000 दिए थे, क्या किया उसने? अरे खर्च हो गए, अब क्या एक एक पैसे का हिसाब मांगोगे तुम मुझसे? घर के खर्चे के लिए मांग रही है पैसे भी मैं? तुम्हारी तरह तो हूँ नहीं ना, घर से कोई मतलब नहीं है, दिन भर ऑफिस में घुसे रहते हो. ठीक है, आज से ना घर पे मैं बैठता हूँ और ऑफिस तुम जाओ, देखता हूँ कितने पैसे कमा के लाती हो. तुम तो ऐसे कह रहे जैसे पैसे का पहाड़ बना के लाते हो, इतना भी कुछ कमाते नहीं जितना बोलते हो तुम. तो मेरे पैसे का खाती है, मेरे पैसे का पहनती है और मुझे रोब दिखा रही है, तू ऐसे नहीं मानेगी तेरी तो. चुप कर, चुप. अगर हाथ उठाए ना तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी तेरी मैं. क्या कर रहे हो ये स्कूल की छत पे? अभी तक सारी बसें जा चुकी हैं, घर पे क्यों नहीं गए? उधर क्या देख रहे हो, कुछ बताओगे? नहीं जाना मुझे घर, मुझे घर नहीं जाना. अरे बेटा रो क्यों रहे हो? मुझे घर नहीं जाना, घर पे मम्मी पापा बहुत लड़ते हैं. तुम ऐसा करो मेरे साथ, जी क्या आप प्रणव के फादर बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ. जी देखिए, मैं काउंसलर हरपाल मान बोल रहा हूँ. क्या आप और प्रणव की मदर अभी अर्जेंटली स्कूल आ सकते हैं? अर्जेंटली स्कूल? सर सब ठीक तो है, क्या बात हुई है? जी मुझे प्रणव के बारे में आपसे कोई जरूरी बात करनी है. जी मैं निकलता हूँ. नेहा सर, आपने हमें अचानक क्यों बुलाया? मुझे प्रणव के बारे में आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी. जी बोली. आपके घर में आपका प्रणव के साथ बिहेवियर कैसा है, मतलब उसके आसपास का माहौल कैसा है? माहौल तो ठीक है, ऐसी तो कोई बात नहीं है. दरअसल प्रणव डिप्रेशन में जा रहा है, वो किसी से कोई बात नहीं करता, स्कूल के किसी एक कोने में डरा सहमा सा बैठा रहता है वो, और पूछने पे सिर्फ इतना ही बताता है कि मुझे डर लगता है, मुझे घर नहीं जाना. और फिर आज तो कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद मुझे आप लोगों को बुलाना ही पड़ा. ऐसा क्या किया उसने सर? आज हमारे स्कूल के एक स्टाफ को
स्कूल की छुट्टी के बाद प्रणव स्कूल की छत पे मिला। एक्चुअली वो वहां पर देखिए, अगर आप लोगों के घर का माहौल कुछ ऐसा बन रहा है जिसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है तो दिस इज एन अलार्म टाइम, अदरवाइज यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। वी आर रियली सॉरी, और हम अभी प्रणव से बात करते हैं एंड वी ऑल्सो प्रॉमिस यू कि विल ट्राई आवर बेस्ट कि घर पर प्रणव के लिए एक सेफ और हेल्दी एनवायरनमेंट बने। तो ठीक, प्रणव आपका बाहर इंतजार कर रहा है, आप जा सकते हैं। बेटा, हमें पता चल गया है कि हमारे लड़ने की वजह से आपको कितना इफेक्ट होता है। वी रियली सॉरी। बेटा, हमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की कि हमें लड़ता हुआ देखकर तुम्हें कैसा महसूस होता होगा। आई प्रॉमिस कि मैं और तुम्हारी मम्मी कभी झगड़ा नहीं करेंगे। आप लोग सच में कभी नहीं मिलोगे? नहीं। घर चलो। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कॉमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।